खाज बताइन तो तेरा क्या काम नंदन का मर पर चला जा नंदन का पूरे पैर और बर्बाद हो गया टांग कटने जा रही है। बुलडोजर की गड़गड़ाहट, चीखते चिल्लाते लोग, बिखरा हुआ मलबा, तस्वीरें ये समझने के लिए काफी हैं कि किसी का आशियाना उजड़ा है। लखनऊ के अकबरनगर में जहां भी नजरें उठाएंगे वहां आपको तबाही का मंजर और रोते बिलखते लोग दिख जाएंगे। अतिक्रमण पर एक दो नहीं बल्कि 8 बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। इस एक्शन से किसी का घर उजड़ा है तो किसी का रोजगार। क्यों 50 साल बाद अचानक कब्जे वाली जमीन की याद सताई और कार्रवाई की गई, कहानी बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, मैं शगुफ्ता खान और आप देख रहे हैं news.live। लखनऊ के अकबरनगर में 27 फरवरी की शाम सरकार का बुलडोजर एक्शन चला। बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है। इन अवैध घरों और दुकानों की संख्या सैकड़ों में है। आपको बता दें कि लखनऊ की कुकरेल नदी पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। इस कार्रवाई का जमकर विरोध भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने एक्स पर लिखा, बुलडोजर से आशियानों को उड़ाने की बीजेपी की गारंटी। लखनऊ के अकबरपुर में गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चला रही भाजपा सरकार। नाले पर रिवरफ्रंट बनाने के फर्जी विकास के नाम पर बस्ती उजाड़ रहे मुख्यमंत्री। पीड़ितों को विस्थापित किए बिना ये कार्रवाई गैर कानूनी। आपको बता दें कि लखनऊ के इस इलाके में लंबे समय से सरकार कार्रवाई की योजना बना रही थी, लेकिन 20 दिसंबर 2023 को इस कार्रवाई पर कोर्ट ने स्टे लगाया था। 26 फरवरी को जैसे ही हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इससे रोक हटाई, आधे घंटे के भीतर लखनऊ विकास प्राधिकरण के बुलडोजर पुलिस के साथ वहां पहुंच गई। सड़क किनारे बने शोरूम से कार्रवाई की शुरुआत की गई। एक एक करके शोरूम्स तोड़ दिए गए। जानकारी के मुताबिक अकबरपुर 1 और 2 इलाकों में कुल 1068 अवैध निर्माण है। इसमें 100 से ज्यादा शोरूम सड़क किनारे बने हुए हैं। कार्रवाई से पहले बड़ी संख्या में पुलिस टीम को तैनात कर दिया गया था। अकबरनगर में भले ही अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा हो, लेकिन जो लोग यहाँ 50-60 सालों से रह रहे हैं, जिनका आशियाना उजड़ा है, सुनिए उनका क्या कहना है। 400 साल होगा हम लोग का शादी ब्याह, लड़के बच्चे सब यहीं पैदा हुए। अच्छा, अच्छा। मेरे सास ससुर यहीं थे ना, तो आज वो जब घर गिराई दे रहे तो हम लोग का कहीं देंगे तो हमें उसका कोई फायदा है नहीं भैया। अब कोई जरूरत नहीं हम लोग उनका लेने से, कहीं भी रह लेंगे हम लोग। आप लोग सरकार की आसान नहीं लेना चाह रही? हमें सबका चाहिए तो अकबरनगर चाहिए, बाकी घर गिरा दो, कुछ भी कर लो, हमें सबका दे दो। हाँ, कहीं भी हमें सबका, हमें नहीं जाना है। घर बनवाने में कितना पैसा लगा था? पैसे हमने 12-13 लाख रुपए लगवा दिया। आज इतना गनवा के खड़ा करे, अब आप देखो कि कितने हाय हाय मचाए हैं ये। मतलब आप लोग उतरेंगे नहीं क्या? नहीं उतरेंगे क्या है, नहीं अपने छत पे हैं, अब उतरेंगे क्यों नहीं? अब बुलडोजर चलने जा रहा है तो बुलडोजर चलाने का वो है तो बुलडोजर चला दे, हम लोग उनके साथ में ले चले और क्या। मतलब 12-15 लाख रुपया लगा घर बनाने में, तो और 5 लाख रुपया और देना पड़ेगा तब घर मिलेगा। तो हम लोग चले जाएंगे, चले कहाँ जाएंगे, बुलडोजर चला दे सिमा मर में रह जाएंगे और क्या करेंगे। जब उनकी ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम नदी क्या है कि हमने क्या करें, जब हरिद्वार जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे बात करके किसी से। सरकार तो कह रही है हम आप लोग को घर दे रहे हैं, आप लोग को फ्री थोड़ी दे रहे हैं, फ्री थोड़ी दे रहे, पैसे ले रहे तब दे रहे हैं ना। 5 लाख रुपए हम लोग कहाँ से लेके आएंगे? अभी सारा 5 लाख घर में काम करके अपने बच्चों का पाले, घर द्वार बनवाए कि अब जिंदगी भर घर ही खरीदे हम सरकार की, हम लोग घर नहीं ले पाएंगे। अब बहुत दुख है, बहुत दुख है, दुख। मजदूरी करते हैं हम, मजदूरी दूसरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, काम करते तो अपने बच्चों को पालते हैं हम छोटे छोटे। ये तो है नहीं कि हाँ भाई हम नौकरी दिया है जो करे, हम गरीबों को आँखों का फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। इस पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए news.live। बहुत बहुत शुक्रिया।